स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी वेटिंग कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने वाली है। तो एक न्यूज आई है हमारे पास, लेटेस्ट न्यूज है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, बहुत कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स के अंदर। सेकेंडली, ओपिनियन लिया जा रहा था स्कूल अथॉरिटी से, मैंने आपको यह इन्फॉर्मेशन दी थी। अब मेरे पास लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि आपको क्या करना है कि पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कब हो रहे हैं। सेकंड, सिलेबस रिडक्शन का क्या होगा। तीसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स किस तरह से लिए जाएंगे। तो ये चीज अब कंफर्म हो गई है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, यही स्कूल अथॉरिटी से हमारे पास रिप्लाई निकल के आए हैं। अबव 100 स्कूल से, यानी प्रिंसिपल्स और टीचर से जो ओपिनियन लिए गए थे, उन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स 15th मार्च से डिले नहीं होने चाहिए, मिड मार्च तक एग्जाम स्टार्ट हो जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने दो रीजन दिए हैं। नंबर वन, इसका इफेक्ट पड़ेगा आगे जो हर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। दूसरा, उसका इफेक्ट पड़ता है एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। सो एग्जाम्स जो होंगे, जो पहले था कि शायद मई में लिए जाए, वो अब कैंसिल कर दिया गया है, मिड ऑफ मार्च में ही होने की पूरे चांसेस है। दूसरा, स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि शायद फर्दर सिलेबस रिडक्शन हो जाए, तो इसके लिए कहा गया कि ऑलरेडी 30-40% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो आगे और रिड्यूस करने के कोई चांसेस नहीं है। कोई ऐसा ओपिनियन निकलकर नहीं आया है स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से। तीसरा, एग्जाम्स के लिए है कि बच्चे हम प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देंगे, कि प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ऑफलाइन मोड में ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को स्मॉल ग्रुप्स के अंदर बुलाया जाएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही। सो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रेपरेशंस।